अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको तीन अलग किस्म के शेडर्स बनाना सिखाऊंगा। दो लावा शेडर्स होंगे और एक वाटर शेडर होगा। ये स्टाइलिस्टिक या लो पॉली सीन्स में काम आपके आएंगे। एक ही आप देख रहे हैं लावा, मतलब न्यू न्यू जो निकला होता है, ताज़ा ताज़ा वोल्केनो फाट के निकलता है, उस तरह का होगा। दूसरा जो, अगर लावा थोड़ा ठंडा होना शुरू हो जाए, सख्त होना शुरू हो जाता है, ब्लैक ब्लैक सा, उस तरह का शेडर होगा। और तीसरा वाटर पानी का होगा, अगर आप स्टाइलाइज करना चाहते हैं, येलो पॉली सीन्स में इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो आपका आपको ज़्यादा सही इस्तेमाल होगा। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ इसका नोट सेटअप। एक शेडर एडिटर में चल जाते हैं तो बिल्कुल सिंपल है। शिफ्ट ए दबा के आप सारा कुछ कलर कर सकते हैं। शिफ्ट ए दबाएंगे तो आप इमिशन भी ढूंढ सकते हैं, कलर रैम भी ढूंढ सकते हैं और नॉइस टेक्सचर भी ढूंढ सकते हैं। तीनों से आपको मिल जाएंगी। नॉइस टेक्सचर को अब देखें, मैं बस वो जो जो बेसिक से नोट है उन्हें यूज़ करके एक येलो कलर और एक ऑरेंज कलर ले लिया है। सेटिंग लीनियर है, RGB, और नॉइस टेक्सचर के साथ लॉग इन कर दिया। नॉइस टेक्सचर की सेटिंग्स में डिटेल तो इंक्रीज की हुई है, 8.7, और डिस्टॉर्शन 8.9। एग्जैक्ट वैल्यूज जरूरी नहीं है, आप अलग अलग वैल्यूज भी कर सकते हैं। इमिशन की स्ट्रेंथ 3 3 है और इसके लिए आपको ब्लूम भी ऑन रखना पड़ेगा और एम्बिएंट इंक्लूजन भी। तो फिर आपको इस तरह का लावा मिलेगा, ये आप देख रहे हैं। तो लेकिन अगर हमें आपको अब दूसरा वाला दिखाता हूँ, जो लावा थोड़ा कूल हो जाता है तो वो फिर इस तरह का कुछ हो जाता है, ऑरेंजिस टाइप सा, और यू नो सब ब्लैक ब्लैक या ब्राउन ब्राउन कलर सा आना शुरू हो जाता है कि वो ठंडा हो रहा है, सख्त होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा अलग हम लोग शेयर करेंगे, लेकिन सिंपल ही है। उसमें भी इस तरह इमिशन होगी और इसमें भी आप सब कुछ आप शिफ्ट ए दबा के ढूंढ सकते हैं। शिफ्ट ए बागरा, मैंने आपको पहले कहा जैसे मैपिंग, या देखिए मैपिंग भी स्टार्ट हो सकती है, टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स भी आप ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए इमिशन शेयर चाहिए होगा, कलर रैम चाहिए होगी। कलर रैम का इस पर सेटिंग कॉन्स्टेंट होगी लीनियर के बजाय, और बाकी कलर ब्लैक, ऑरेंज, लाइट ऑरेंज और येलो होंगे। नॉइस टेक्सचर होगा, नॉइस टेक्सचर की गेन डिटेल थोड़ी सी चेंज हुई होगी, गेन आप कितनी बड़ी हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। मैपिंग नोड है और टेक्सचर कोऑर्डिनेट भी जनरेटेड। और मजे की बात यह है कि ये लावा शेडर जो है ये एनिमेटेबल भी है, मतलब अगर आप थोड़ा सा लावा को फ्लो करना दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, सॉरी 3D रेंडर्ड। तो अगर आप दिखाना चाहते हैं कि लावा चल रहा है या ऐसा कुछ है तो आपकी फ्रेम्स के थ्रू ये करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें अभी इस तरह मूव भी कर रहा है। तो अगर अभी मैं से यहाँ पे आई की फ्रेम कर देता हूँ, फिर से थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ, और फिर जेड की लोकेशन इसकी थोड़ी चेंज करके फिर से आई करता हूँ, तो ये देखिएगा अभी ये लावा शेडर मूव भी कर रहा है। तो की फ्रेम्स के थ्रू सिंपली तरीके से एनिमेट भी हो सकता है, अगर आप डार्क क्लोज अप सिंपल डिफरेंट तरीके से करना चाहते हैं। तो अब आखिरी शेडर जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो है वाटर शेडर। वाटर शेडर जो है वो दो पॉली सीन्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ये वाला, ये ओरिजिनल टूट स्पाई काय ने दिखाया था, मुझे आइडिया दिया था। तो ये लो पॉली सीन्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और स्टाइलाइज रेंडरिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, आपकी अपनी मर्जी है। रेंडर व्यू में से एक बार देख लेते हैं। ये भी एक, बल्कि दो वाटर शेड्स हैं, मैं भूल गया था, मैंने आपके लिए दो वाटर शेड्स प्रिपेयर किए थे। पहले मैं आपको ये वाला दिखा देता हूँ, ये भी सिंपल सा ही है। शेड राइटर का तरफ चल जाते हैं, और इसमें भी डिफ्यूज है, कलर रैम्प है, लेकिन इस पर वो रोनो टेक्सचर है, और उसी तरह से मैपिंग और टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स हैं, और इसको भी आप एनिमेट कर सकते हैं बाकी सारे शेडर्स की तरह। बाकी जो दोनों लावा शेडर्स थे उनके आप एनिमेट कर सकते हैं। अभी तो पहले ये वाला है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करने के लिए आपको, अगर आपके सिंपल प्लेन क्रिएट करें, सॉरी सब डिवाइड कर लें और उससे उसे फिर मॉडिफायर ऐड करके डिस्प्लेस मॉडिफायर ऐड कर दें, और जो मॉडिफायर है डिस्प्लेस मॉडिफायर उसको उसके साथ ही टेक्सचर ऐड करें, वो टेक्सचर होगा। और बाकी अगर इसका आप एनिमेट करना चाहते हैं इस मटेरियल को, तो वही सिंपल तरीका होगा, मैपिंग मोड में चले जाएँ और उससे एक्स या वाई के ऊपर रोटेट करें, ये देखें उस तरह से हो सकता है। और आप किसी डिस्प्लेसमेंट्स में जो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट्स मेट करना चाहते हैं तो फिर इसकी जो है ये देखें जी, इस तरह करेंगे तो देखें टेक्सचर भी हिल रहा है और साथ साथ ही वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसकी चेंज हो रही है इसके एड के द्वारा इधर। तो उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे टेक्सचर कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट कर लें और एम्प्टी जो है, एम्प्टी ऐसा ऑब्जेक्ट है रेंडर नहीं होता, उससे यहाँ पे बीच में ऐड कर दें, फिर जिस आप इसे एम्प्टी को मूव करेंगे उस तरह से डिस्प्लेसमेंट भी हिलेगी और टेक्सचर भी हिलेगा उसका। तो एक तरीके से आपको डबल तरीके से यूज करें। तो अब मैं आपको आखिरी शेडर दिखाता हूँ, वो है वो ये स्टाइलिस्टिक किस्म का ज़्यादा है, इससे ज़्यादा स्टाइलाइज है, और वो ये वाटर शेडर है। तो उसके लिए आपको ये अगेन लीनियर की जगह रैम कॉन्स्टेंट रखनी पड़ेगी, और नॉइस टेक्सचर के साथ उसका स्केल देखना, 3 स्केल थोड़ा छोटा रखना पड़ा, और जो नॉइस टेक्सचर है वो भी ऐड करना पड़ेगा।
और नॉइस 60 की डिस्टोर्शन वगैरह ऐड करनी पड़ेगी। अगेन ये भी उसी तरह एनिमेट हो सकता है उसी तरीके से ऑब्जेक्ट के थ्रू या एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स चेंज करने के थ्रू। मैं आपको एनिमेट करके से एक बार दिखा देता हूँ। ये देखें बिल्कुल स्टाइलाइज सिस्टम के साथ डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रही है। तो उम्मीद है सबको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बात सच है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।